दिनों में स्टॉक 200 रुपये से ज़्यादा जो है महंगा होते हुए देखने को मिल गया है। तो देखिए ऐसा है, जिन लोगों ने नीचे के स्तरों पर ले रखा है आराम से होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और व्यू अगर लॉन्ग है तो आप गिरावट में आराम से इसमें CMP पे भी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब अगर व्यू आपका लंबा है। लेकिन देखिए इतना ज़्यादा स्टॉक डेली चार्ट के अकॉर्डिंग जब भाग जाता है तो उसमें थोड़ा दबाव ऊपरी स्तरों पर कभी भी आते हुए देखने को मिल सकता है। इस वजह से ट्रेडर जो है पोजिशनल BTST वाले 2-4-5-7 दिन वाले, वो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें, आप ऊपर के स्तरों बाय करें। ऐसा नहीं स्टॉक करेक्शन दिखाना तभी से स्टार्ट कर दे, ऐसा अक्सर इंडियन मार्केट में होता है। तो इसमें बाइंग की जा सकती है अगर कोई लंबी अवधि का व्यू रखता है। Q1 के नंबर्स में मेरी नज़र है, कंपनी जैसे डिक्लेयर करेगी मैं ज़रूर ज़रूर पक्का आपको इंटीमेट करूँगा।